प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में जनवरी 24 में जो क्वेश्चंस पाइथन लैंग्वेज यानी कि M3R5 में पूछे गए थे वो हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि नलिट ने डिज़ाइन किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी फंक्शन के अंदर, थोड़ा इसको मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। क्वेश्चन है, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन वेरिएबल को क्या कहते हैं? तो जब आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हो तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल, और जो लोकल वेरिएबल होते हैं उसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर तक ही सीमित रहता है। ऑप्शन सी आएगा, यानी कि फंक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज इंडेक्स ऑफ 3 इन पाइथन 3.0? आपको यहां पर दिया गया है पाइथन 3.0, तो आपको बताना है कि जो 3 है उसका इंडेक्स क्या होगा। आपको बता दें कि जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, स्पेस का हो जाएगा 6 और 3 का 7, पॉइंट का 8 और 0 का 9। तो यहाँ पर पूछा गया था 3 का, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड, इनमें से कौन सा पाइथन लैंग्वेज का फीचर नहीं है? तो पहले बात, जो पाइथन लैंग्वेज है इसको गीडो वैन रॉसम, कौन? एक हमारे पड़ोसी थे जिनका नाम गीडो वैन रॉसम था, इनके द्वारा पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। पाइथन लैंग्वेज ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और ये एक्सटेंसिबल है, इंटरप्रिटेटेड है, और इसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये बेसिकली आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा और PHP में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सी आएगा, यानी कि पॉइंटर। फोर्थ, इन स्ट्रिंग हेलो वर्ड विच इज प्रेजेंट एट इंडेक्स -6, बताइए जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है इसके -6 इंडेक्स पे कौन है? तो जब भी आप लोगों को माइनस इंडेक्सिंग के साथ में काम करना हो तो आपको शुरुआत राइट साइड से करनी है और -1 से करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -1, या डी का हो जाएगा -1, एल का -2, आर का -3, ओ का -4, डब्ल्यू का -5 और स्पेस का -6। तो जो ये वाइट स्पेस है तो -6 इंडेक्स पे कौन है? वाइट स्पेस है। ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि वाइट स्पेस। व्हाट इज ई इन पेमडास, बताइए पेमडास में ई किसको डिनोट करता है? तो पी, बेसिकली इसका यूज क्या है? जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें एक से अधिक ऑपरेटर हो तो ऐसे केस में हम पेमडास का यूज करते हैं। तो पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, है ना? एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डी का मतलब होता है डिवीजन और ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो पी का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है, सॉरी, ई का मतलब पूछा गया था, तो ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, जिसकी सहायता से हम पावर को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8, जो कि शॉर्ट हैंड है मल्टीप्लीकेशन का, बताना है कि ये किसके समान है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा ए प्लस इक्वल 5, तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। मैंने लिखा ए माइनस इक्वल, एक मिनट, ए माइनस इक्वल 5, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए माइनस 5। मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू ए इंटू 8। मैंने लिखा a डिवाइड इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 8। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो शक्ल जो है वो ऑप्शन d से मैच कर रही है, यानी कि इसके पापा कौन है? ऑप्शन d, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 8। आपको बता दें कि जनवरी 21 से जब से आपकी एग्जाम हुए हैं R5 से, सारे के सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे और आपको ओल्ड पेपर हमने प्रोवाइड कर रखा है। सिंपली आइए एग्जाम जिला पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप सबसे नीचे आइए,
दिखाई देगा ओ लेवल ओल्ड पेपर्स, देन आपके सामने सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर है जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है आपके सामने ओपन हो जाएंगे। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ, नेटवर्क का इशू हो रहा है। अब चूँकि इस टाइम पे एग्ज़ाम का टाइम है तो काफ़ी लोग इस टाइम पे इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके सामने इस प्रकार से सारे पेपर्स ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जुलाई का पेपर सॉल्व करना है तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपसे पूछेगा कि आप इस पेपर का वीडियो देखना चाहते हो या फिर सॉल्व पेपर आपको देखना है ना, या फिर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए। तो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं से आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। लाइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने वो पेपर आ जाएगा और उसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए हम लोग, ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल ऐसे होता है और इसका रोल होता है कि जो भी प्रोसेसिंग है या फिर कैलकुलेशन है वो रेक्टेंगल में होती है। पैरेललोग्राम इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए। सर्कल तो आपको पता ही है कि पेज को कनेक्ट करने के लिए, तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन डिव मोड एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे एक्स एंड वाई इंटीजर हैं। ठीक है, एक्स और वाई इंटीजर हैं, तो बताना है कि इसको किस प्रकार से इवोल्यूट किया जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये आपको डिवीज़न देगा, ये डिवीज़न करेगा और मॉड निकालेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला है एक्स, है ना, एक्स में क्या करेगा, पहले वाई से डिवाइड करेगा और इसके बाद एक्स में वाई से मॉडुलस करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई डिव मोड और ब्रेकेट के अंदर 27.4, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले दोनों का निकाला जाएगा डिवीज़न, उसके बाद में मॉडुलस। तो यानी कि ये 27 डिवाइड बाई 4 कॉमा 27 मॉडुलस 4। तो 27 में 4 से डिवाइड करने पर 4 6 जा 27, तो यहाँ से आ जाएगा 6, है ना, और 27 में 4 से डिवाइड करने पर 4 6 जा 24, यानी कि रिमाइंडर 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.3। तो इसमें आप टिक करिए ऑप्शन सी, एक्स डिवाइड बाई वाई एक्स मॉडुलस वाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9, 165 और 268 के बीच में, बीच की सीमा में निम्न में से कौन सी एकमात्र सही फिबोनाची संख्या है? बताइए, आप लोगों ने फिबोनाची की नंबर सीरीज के बारे में सुना होगा, सीक्वेंस के बारे में सुना होगा, जिसका प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल में आता है। तो बताइए कि 165 से 268 के बीच में वो कौन सा नंबर है जो कि फिबोनाची नंबर है। अच्छा, होता क्या है, तो इसकी शुरुआत होती है 0 से और इसके बाद में 1 से। अब 0 और 1 को ऐड करिए तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से ऐड करिए तो 2 आएगा, 2 को 1 से ऐड करने पर 3 आएगा, 3 को 2 से ऐड करने पर 5 आएगा। यानी कि जो अगला टर्म होता है वो पिछले दो टर्म का एडिशन होता है। 5 और 3 जोड़ने पर 8 आएगा, और 8 और 5 जोड़ने पर 13, है ना, 13 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे हो जाएगा 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 और 1 4, 2 और 1 3, फिर इनको ऐड करिए तो 4 और 1 5, 3 2 5, इनको ऐड करिए तो 5 4 9 और 5 3 8, इनको ऐड करने पर 9 5 14, 8 5 13 और 14 144, 9 4 13, है ना, 14 8 22 और 1 23, यानी कि 233। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके बाद में इसको आप ऐड करोगे तो 4 और 3 7, 4 3 7 और 2 और 1 3। ठीक, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो बोला गया था भाई 165 से 268, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो
तो 165 यहाँ कहीं आ रहा होगा, है ना। एक मिनट, ये तो और लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बाद में कर देना भाई क्लास। हाँ तो जो 165 है ये आप लोगों का सिंपल सी बात है, यहाँ कहीं पे, अरे यहाँ कहीं पे आ रहा होगा 165, और 268 भी आपका यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो 165 और 268 के बीच में 233, ये एक 51 की नंबर है, 233 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पहचानकर्ता की अधिकतम संभव लंबाई क्या है, तो जो आइडेंटिफायर है, चाहे वो आपका वेरिएबल हो, फंक्शन का नाम हो, मेथड का नाम हो, क्लास का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, इनकी कोई भी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ नहीं है, ये किसी भी रेंज के हो सकते हैं, नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11, निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, बताइए जी, निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। 22 मॉडुलस 3, इसमें आप बोलोगे सर 22 में आप 3 से डिवाइड करिए, तो 3 7 जा 21, और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1, बट यहाँ पे लगा हुआ है -1, तो इसका मतलब ये है कि माइनस में आप डिवाइड करोगे, तो 3 7 जा 21 जो कि 22 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, कम लेना है, तो 3 8 जा 24, ठीक, और इसको आप घटाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2, सही है ना भाई। देखिए जब माइनस लगा होगा तो आपको एक एक्स्ट्रा लेना है, देन उसको आप घटा दीजिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 2, तो आंसर इसमें आ जाएगा प्लस का 2, क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लस का 2, इसमें प्लस का 2 नहीं दिया गया है, क्यों इसमें प्लस का 2 क्यों नहीं दिया गया है भाई, प्लस का 2 आएगा। लाइए मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ ऑनलाइन, है ना, है ना, एक मिनट रुकिएगा जरा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, तो आंसर में आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी कर लीजिएगा 2, ठीक है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी 2। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन किया गया जो कि 2 पैरामीटर वाला है, और फंक्शन का नाम ऐड है, और ये फंक्शन दोनों वैल्यूज का सम रिटर्न कर रहा है। यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया और 3 और 4 पास किया गया, तो x में आ जाएगा 3 और y में आ जाएगा 4, देन यहाँ पर 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 को रिटर्न किया जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था, तो यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया था तो यहीं पे 7 आ जाएगा, और आपके सामने साक्षात रूप से 7 प्रिंट हो जाएगा, बोलो स्वाहा। कोई बात नहीं, क्योंकि आपके ऊपर एग्ज़ाम का बर्डन है, तो ऐसे में मैं जो जहाँ पे आप गलती कर सकते हो वहाँ पे कुछ ऐसा बोलने का ट्राई करता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। जब आप कोई फाइल ओपन करते हो तो डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि फाइल 2 प्रकार की होती है, टेक्स्ट और बाइनरी, है ना, टेक्स्ट आपकी ह्यूमन रीडेबल होती है और बाइनरी मशीन रीडेबल। इसमें आपका नॉर्मली चलता है R, W, A और यहीं पे आपका हो जाएगा R, B, W, B और A, B। तो जब भी आपने किसी फाइल को ओपन किया है और उस फाइल का मोड आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट रूप से वो आपकी रीड मोड में ओपन होती है, ऑप्शन A आ जाएगा। बताइए कि ये किस प्रकार का डेटा है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो A इज इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट जो कि लिस्ट को डिनोट करता है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर भी क्या है, लिस्ट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ऑप्शन डी। 15, निम्न में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो बिटवाइज और जिसको बोल सकते हो एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करने के लिए टॉप एंगल ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी आ जाएगा, जबकि ये आप लोगों का बिटवाइज एंड है, ठीक है, और नीचे आपका बिटवाइज और है। निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, फंक्शन का नाम है सम और यहाँ पर 4 को पास किया गया, तो जो ये 4 है ये आ जाएगा x में, लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 को रिटर्न किया जाएगा
जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहां से फंक्शन को कॉल किया गया था तो यहां पर 16 आ जाएगा और आपके सामने 16 शो हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पाइथन में जब कोई फाइल राइट मोड में खोली जाती है तो फाइल ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? तो अगर आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो जो फाइल ऑब्जेक्ट या बोल सकते हो फाइल हैंडलर या बोल सकते हो फाइल पॉइंटर फाइल के बिगिनिंग में होता है। बट अगर आपने अपेंड मोड में ओपन किया है तो जो फाइल पॉइंटर है वो एंड में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यदि ए इज इक्वल टू 16 एंड बी इज इक्वल टू 15 देन आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ए में कितना है 16 मॉडुलस, बी में कितना है 15 डिवाइड बाई ए में कितना है 16। 16 में 15 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 16 में 15 से भाग करने पर शेषफल 1 आएगा। फिर लगा हुआ है फ्लोर डिवीजन 16। अब चूंकि जिसमें डिवाइड करना है वो छोटा है और जिससे डिवाइड करना है वो बड़ा है तो ऐसे केस में आपको मिलेगा 0। ऑप्शन बी ठीक है, 0 आप हैं हीरो, वाह वाह कर दिया कीजिए आप लोग। निम्न एक्सप्रेशन का परिणाम क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब चूंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको डुअल कोट के अंदर लिखा गया है जिसको कांस्टेंट माना जाता है और ये आप लोगों का स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो इसको यहां पर ऐड की जगह पर क्या किया जाएगा? कॉन्कैटिनेट किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फ्लो चार्ट में ओवल शेप का यूज क्यों करते हैं? तो ओवल शेप का यूज फ्लो चार्ट को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा। मान लीजिए लिस्ट 1 इज इक्वल टू 2,33,222,14,25 है तो बताइए कि लिस्ट 1 और यहां पर स्लाइसिंग करने पर क्या आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। लिस्ट का नाम क्या है? लिस्ट 1 और स्लाइसिंग में किया गया है स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी नहीं है, स्टॉप वैल्यू -1 है। तो ऐसे केस में क्या होगा? वो सबसे पहले एलिमेंट से एलिमेंट को रिटर्न करना शुरू करेगा। तो पहले और कहां तक जाएगा? -1 तक, क्योंकि यहां पर जो स्टॉप वैल्यू है वो दी गई है -1 तो वो उससे एक कम तक चलेगा। तो -1 में एक कम करने पर कितना आएगा? -2। यानी कि शुरुआत से लेकर -2 तक की जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि -5, -4, -3, -2 यानी कि ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइथन फाइल को किस प्रारूप में माना जाता है? तो अगर आप लोगों को याद हो तो फाइल हैंडलिंग में हमने आपसे कहा था कि यहां पर जो कुछ भी कंटेंट है वो आप लोगों का बाइट में मेजर किया जाता है। ऑप्शन सी आएगा, बाइट। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? बताना है कि 5 ampersand 3। तो 5 ampersand 3, तो 5 का मतलब देखिए यहां पर लगा हुआ है बिटवाइज एंड जो कि बिट्स पे काम करता है। तो पहले हमें 5 और 3 का निकालना होगा बाइनरी। तो 1, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 हमको लाना है 5। तो 5 कैसे आ सकता है? अगर हम 4 में 1 को ऐड कर लें तो हमें 5 मिल जाएगा। तो हमने 4 और 1 को लिया है, बाकी नहीं लिया है तो बाकी कर देंगे 0। इसी प्रकार से हमको लाना है 3। तो अगर 2 और 1 को ले लें तो हमको 3 मिल जाएगा और जिसको नहीं लिया है उसको कर दीजिए 0। अब यहां पर बैठा हुआ है 5 और 3 के बीच में एम्परसेंड यानी कि बिटवाइज एंड। अंकल कहते हैं कि भैया बच्चा अगर दोनों बिट 1 होगा तो मैं आपको 1 दूंगा। तो यहां पर देखिए दोनों बिट 1 है तो 1 मिलेगा, यहां पर 1 बिट 0 और एक बिट 1 है तो यहां पर 0 मिलेगा, यहां पे 1 1 और 1 0 तो यहां पर भी 0, यहां पर दोनों 0 तो यहां पर हो जाएगा 0। आंसर क्या आएगा? 0001 और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने पर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24
What is displayed on executing print math.fabs-3.4? FABS यानी कि float absolute जो कि math module में मिलता है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को, जो किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू को हम एब्सोल्यूट बना सकते हैं, यानी कि माइनस के साइन को रिमूव करता है ये। तो माइनस 3.4 में माइनस का साइन रिमूव करने पर 3.4 आ जाएगा, ऑप्शन बी 3.4। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, और ये मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप MCQ एग्ज़ाम को भी हल्के में ना लें, क्योंकि जुलाई 24 में फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो निलिट ने MCQs बनाए हैं खुद से वो काफ़ी लॉजिकल और कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो कि हमने आप लोगों को पेड बैच में प्रोवाइड कराए हैं सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ। तो अगर आप चाहें तो ओनली MCQs की तैयारी करनी है। अगर आपने फुल बैच ज्वाइन कर रखा है तो आपको अलग से पाइथन का कोई भी कॉन्टेंट ज्वाइन नहीं करना है, सारा कुछ आपके उसमें है। बट अगर आपको ओनली MCQs की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पर आइए, जिसमें आपको 250 प्लस क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं, इस वैल्यू को हम चेंज करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक MCQ आपके एग्ज़ाम को पास और फेल कराने के लिए बहुत है। तो आप MCQs को भी हल्के में ना लें, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या था, हाँ तो हाँ, फ्लो चार्ट में जो डिसीजन टाइप की शेप होती है, डायमंड शेप होती है, जिसको हम कई बार काइट शेप के नाम से जानते हैं, इसका रोल क्या है। तो मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक फ्लो चार्ट क्रिएट करिए, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो वो वोट कर सकता है, अगर एज 18 से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर निर्णय लेने की बात आ गई है। तो ऐसे केस में डायमंड शेप का यूज किया जाएगा। 26, निम्न पाइथन कोड स्निप्ट का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी एक्सप्रेशन साइन 2, और यहाँ पे स्वैप केस को इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि जो भी केस है अगर वो स्मॉल लेटर में है तो उसको कैपिटल में करना है, अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में करना है, क्योंकि यहाँ पर स्वैप करना है। तो ए आपका कैपिटल में है तो ये स्मॉल में हो जाएगा, बी स्मॉल में है तो ये कैपिटल में हो जाएगा, बाकी तो ये आपके स्पेशल सिम्बॉल और नंबर्स हैं तो इनमें कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल 0। तो आपको बता दें कि फैक्टोरियल 0 और 0 का या फिर 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो यहां पर 0 का पूछा गया है तो यहां पे आ जाएगा आप लोगों का बी यानी कि 1। 28, फ्लो चार्ट में कौन सी आकृति प्रोसेस या फिर इंस्ट्रक्शन को दिखाती है। तो वो होती है रेक्टेंगल शेप, ऑप्शन भी आ जाएगा। इनमें से कौन सा टुपल का फीचर है बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ टपल। तो टपल इज इम्यूटेबल, बिल्कुल सही है, जो टपल होता है वो अनचेंजेबल यानी कि इम्यूटेबल होता है। टपल एक प्रकार का सीक्वेंस डेटा टाइप है। टपल के जो आइटम्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसको हम पैरेंथेसिस में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 30, निम्न में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है। तो जो पाइथन फाइल होती है ना, इसका एक्सटेंशन .py होता है। पाइथन में जो भी आप मॉड्यूल क्रिएट करते हो जो कि पाइथन फाइल को रिफर करते हैं, उसका भी एक्सटेंशन .py होता है। पाइथन की जो बाइट कोड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .pyc होती है, ऑप्शन ए आएगा .py। फ्लो चार्ट में डिसीजन के लिए कौन से सिंबल का यूज किया जाता है, डायमंड शेप का यूज किया जाता है। व्हाट इज द आउटपुट बताइए जी, आउटपुट क्या होगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है लाइक 5, 7, 0, 2, 4, और मैं आपसे कहूँ कि इसमें मैक्स कौन है, तो आप बोलोगे सर 7, बट यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर यू, इसमें कौन, इसका आंसर क्या होगा, क्या इसमें एरर है, या फिर यू आएगा, टी आएगा, या फिर वाई आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कोई नंबर पास किया गया है तो नंबर को चेक करेगा, बट कोई सेंटेंस दिया गया है तो उस केस में जो उसकी ASCII वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जज किया जाता है।
तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए ई है ना, एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं है ना, इसमें आप देखो जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे छोटा है, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो W और Y ये सबसे लास्ट में आते हैं, जिनमें से W यहाँ पर और Y यहाँ पर, यानी कि सबसे लास्ट में कौन आएगा तो आप बोलोगे जो Y है ये अल्फ़ाबेट सीरीज में सबसे लास्ट में आता है, जिसका मतलब ये है कि जो इसकी ASCII वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी और आपके सामने Y प्रिंट होकर आ जाएगा। चलिए आप मुझे बताइएगा मैक्स पाइथन जेब्रा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मुझे आपके इंतजार का, मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा। निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे नंपाई को इंपोर्ट किया गया और उसको एनपी से अलाइज किया गया, एनपी डॉट एरे 1 2 3 इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया गया और ए डबल आर नाम का एरे बनाया गया। देन इसमें सेप एट्रीब्यूट का यूज किया गया जो कि बताता है कि जो एरे है उसकी सेप क्या है। अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो यहाँ पर ओनली एक रो है जिसमें तीन आइटम है, यानी कि 1D एरे है, तो यहाँ पर कॉलम एक भी नहीं है, तो आप ये कह सकते हो 3, ऑप्शन ए आ जाएगा 3। विच इज नॉट करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है या बोल सकते हो कौन सा गलत है। ए बी एस रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, बिल्कुल सही है। ए बी एस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को वापस करता है, लाइक आपने लिखा ए बी एस -5 तो आंसर आपको मिल जाएगा 5। ठीक, डिव मोड रिटर्न द ओनली रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवीजन, ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि ये आपको रिमाइंडर भी देता है और कोसेंट भी देता है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ओनली, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न स्निप्ट का आउटपुट क्या होगा, बताइए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है x में 10 y में 3 और डिव मोड x, y यानी कि 10, 3 जिसका मतलब होता है x डिवीजन y और x मॉडुलस y, है ना, यही तो होता है। आई एम राइट, यस यू आर एब्सोल्यूटली राइट। x में कितना है 10 और एक मिनट, तो 10 में 3 से डिवाइड करने पर 3 3 9, ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 10 में 3 से डिवाइड करने पर 1, यानी कि 3, 1 क्या हो जाएगा सर, 3, 1 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, आगे नहीं, ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यानी कि स्लाइसिंग करनी है ए बी सी डी और शुरुआत करनी है 2 से और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग 2 से करेगा और सारे करेक्टर्स को रीड कर लेगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 0, 1, 2, 3 शुरुआत करनी है 2 से, यानी कि सी आएगा और लास्ट तक की जितने भी एलिमेंट हैं दैट इज सी और डी, ये प्रिंट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पाइथन भाषा में कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम वाइट स्पेस यानी कि इंडेंट का यूज करते हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा। 38 निम्न में से किसका उपयोग दो नंपाई एरे के डॉट प्रोडक्ट की गणना करने के लिए किया जाता है, तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमें डॉट मेथड का यूज करना होगा, नंपाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है, क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। निम्न में से कौन सा स्काई पाई का सही पैकेज है, तो स्काई पाई का जो सब पैकेज पूछा गया है यानी कि स्काई पाई के सब पैकेज, तो क्लस्टर भी है, इंटरपोलेट भी है, सिग्नल भी है, लेकिन सोर्स नाम का कोई भी सब पैकेज नहीं है, ऑप्शन बी आ जाएगा, और इसकी सहायता से हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं। वॉट इज द आउटपुट -3 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2, तो आपने पढ़ रखा है कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x into जब y टाइम तक, ठीक है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि जो माइनस थ्री है इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है। बहुत जल्दी हो रही कुछ, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, नाइन आएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है? तो जब भी आप लोगों को स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना होता है तो हम एसक्यूआरटी मैथड का यूज करते हैं, जो कि मैथ मॉड्यूल में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आएगा एसक्यूआरटी। 42, पाव एक्स कॉमा वाई के लिए सही ऑपरेटर कौन सा है? तो पाव एक्स कॉमा वाई यानी कि एक्स एक्सपोनेंट ऑपरेटर वाई, जो काम पीओडब्ल्यू फंक्शन करता है पावर को कैलकुलेट करने का, वही काम आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हो, ऑप्शन बी आ जाएगा। 43, पिप का मतलब क्या होता है? तो पिप का मतलब होता है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, जिसकी सहायता से हम कोई भी पैकेज या मॉड्यूल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। लाइक आपने सुना होगा पिप इंस्टॉल नंपाई, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। 44, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्गोरिदम। तो किसी भी अल्गोरिदम का जो पिक्टोरियल, या बोल सकते हो ग्राफिकल, या बोल सकते हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 45, निम्न में किसका उपयोग नंपाई एरे में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट को सर्च करने के लिए किया जाता है? तो आपके पास एक मेथड है दैट इज मैक्सिमम, तो एनपी डॉट मैक्सिमम की सहायता से आप ये काम आसानी से कर सकते हो। 46, इन विच फॉर्मेट पाइथन फाइल कंसीडर्ड। पाइथन फाइल को किस प्रारूप में माना जाता है? तो वो बाइट में मापा जाता है, माना जाता है, ऑप्शन सी आएगा बाइट। नंपाई में परिभाषित सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट एक एन डायमेंशनल एरे का टाइप है जिसे कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनडी एरे यानी कि एन डायमेंशनल एरे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 48, कौन सा फंक्शन राइट शिफ्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा? तो ओवरलोड का मतलब होता क्या है? ओवरलोड का मतलब यह है कि जो काम आप लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर से करते हो यही काम आप और किससे कर सकते हो? तो एक होता है आर शिफ्ट ऑपरेटर, इसकी सहायता से आप ये काम कर सकते हो, यानी कि इसको ओवरलोड करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, तो ऑप्शन डी आएगा नन ऑफ द मेंशनड। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एल शिफ्ट, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्रेटर देन के लिए जी टी, ग्रेटर इक्वल के लिए जी ई, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, ऑप्शन डी आएगा नन ऑफ द मेंशनड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में निम्न में से कौन सा गलत है? अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, बिल्कुल सही है, आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। वेरिएबल नेम कैन कंटेन डिजिट, बिल्कुल सही है, लाइक आपने लिखा एरिया वन एरिया टू तो ये भी अलाउ है। वेरिएबल नेम कैन कंटेन ब्लैंक स्पेस, ये बात गलत है, स्पेस अलाउ नहीं है, ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कोएरिशन वेयर इवेल, बताइए इनमें से कौन सा वो मेथड है या फिर कौन सा कंटेंट है जो कि इवेल के दौरान जबरदस्ती शामिल करना है। बेसिकली जो इवेल है ये एक प्रकार का फंक्शन है, ना कि कीवर्ड, ठीक है, ना कि कीवर्ड। इसकी सहायता से आप किसी भी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को इवेल्यूट कर सकते हो। तो 4.7 माइनस 1.5, बिल्कुल सही है, 7.9 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1.7 मॉडुलस 2, ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये डेसिमल नंबर के साथ में काम नहीं करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने आपके साथ में जैन 24 के 50 MCQs को डिस्कस किया है, जो बाकी के MCQs हैं वो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेंगे, और जो सेकेंड पार्ट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोगों के लिए हमने बना दिया है ओ लेवल ओल्ड पेपर प्लेलिस्ट, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। आपको ये क्लास कैसी लगी, जो भी आपका फीडबैक है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में,
जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।